सर प्लीज कोई सॉल्यूशन बताइए ना, आपके पास आते आते पूरे 2 साल हो गए लेकिन अभी तक। देखिए मिस्टर तापड़िया, आप जो चाहते हैं ना उसमें वक्त तो लगता है, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ आप वैसे वैसे करते जाओ बस। आप कहने क्या चाहते हैं मुरारीलाल जी? अरे मैंने आपको बताया था ना, इल्जाम लगाने के लिए तैयार हो जाओ बस। अगर आपको तलाक लेना है तो बस थोड़े से इल्जाम लगाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल गलत होगा। मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर कोई शक नहीं है, और उसे साबित करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता सर। देखिए हमारे बीच में कई झगड़े हुए हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करता हूं। हाँ उसमें कुछ बुराइयां हैं लेकिन साथ में कुछ अच्छाइयां भी हैं। नहीं लेकिन अगर तलाक चाहिए तो ऐसी कोशिश तो करनी होगी ना। नहीं बताओ, सिर्फ ये हल्की फुल्की ये कलह की बातें लिखने से, थोड़े से झगड़े की बात लिखने से कौन सी कोर्ट आपको तलाक देगी है? बोलो। समझ रहा हूँ सर, आपसे बेहतर समझ रहा हूँ। मैं उस पर इल्जाम लगाऊं और वो मुझ पर, और आपकी दुकानदारी चलती रहे। नहीं सर, जितनी कोशिश मैंने तलाक लेने के लिए की है उससे थोड़ी कम कोशिश मैं अगर अपने रिश्ते को बचाने के लिए करूंगा तो शायद ज्यादा सफल हो जाऊंगा। सर मुझे केस वापस लेना है, आप कार्रवाई शुरू कीजिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आज से मैं नई मुहिम शुरू करूंगा सर, प्रेम में बहुत ताकत होती है। आप तो बुरा मान गए मिस्टर रवि। नहीं सर, आज इतना जान गया हूं कि अगर कोशिश सही दिशा में की जाए तो दशा बदल सकती है। गुड बाय सर।